9 बजे एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज आई थी जिसमें बताया गया था कि भारत में टिकटॉक समेत 59 चाइना के ऐप बंद कर दिए। काफी बढ़िया खबर है, पूरी खबर को समझेंगे, हिस्ट्री जानेंगे, पॉलिटिकल जानेंगे, अर्थशास्त्र जानेंगे, मनोवैज्ञानिक जानेंगे, बहुत सारे तर्क इसमें डालूंगा। उम्मीद है कि इसके बाद आपको चाइना इंडिया की प्रॉब्लम भी समझ में आ जाएगी और खास तौर से जो डिजिटल स्ट्राइक हुई है, सर्जिकल स्ट्राइक की जगह डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपको फिर भी यदि आपके रह जाते हैं कोई क्वेश्चन बाद में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर देता हूं। तो अगर बात करें टिकटॉक की और इस तरह के ऐप की, तो साल 2016 में टिकटॉक जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था भारत से। इसकी जो कंपनी है वो है ByteDance, और इसको जो टिकटॉक है चाइना में बोला जाता है डायनेमिक। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सारी चीजें आपको लिखी दिख रही होंगी। एशिया में इसे लीडिंग शॉर्ट वीडियो ऐप के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 2017 में टिकटॉक का एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब उसने म्यूजिकल ले को खरीद लिया, जिस तरह से फेसबुक में व्हाट्सएप को खरीद लिया था, जिसके बाद कई सारे म्यूजिक उसको मिल गए। भारत में म्यूजिकल ले उस समय काफी अच्छी पोजिशन पे था। 2018 में यह यूएस का सबसे ज्यादा डाउनलोड करने वाला वीडियो बन गया, और इस समय आप स्थिति देखें जरा किस तरह की है। तो अभी आप देख रहे होंगे सबसे लास्ट में 1 बिलियन से ज्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड कर दिया है, और भारत में वर्तमान में अभी 10 करोड़ रेगुलर यूजर इस समय टिकटॉक के हैं। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक हाथ जोड़ के निवेदन है कि टिकटॉक बंद हुआ है ये एक अच्छी चीज है, लेकिन आपको टिकटॉक जो बनाते थे या टिकटॉक पर जो काम करते थे उनसे आपको हेट नहीं करना है, क्योंकि जैसे ये खबर आई तो कई तरह के मीम और कई तरह के जोक लगातार इस पर बन रहे हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको नफरत नहीं करना है। आप टिकटॉक भी चलाते थे या नहीं चलाते थे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो चलाते हैं वो सारे अपने हैं। क्लियर है? आपको इसी को किसी भी तरह से इस तरह से डिमोट नहीं करना है। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो 15 जून की वो डेट थी जिस दिन गलवान घाटी में हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए थे। तब से जनाक्रोश काफी ज्यादा था, सरकार से लगातार मांग उठ रही थी कि क्यों ना कम से कम ऐप जो सबसे छोटी प्राइमरी चीज है उनको बैन कर दिया जाए। उसके बाद कई तरह के वीडियो मीडियास में आते रहे, कई तरह के सैनिकों के वीडियो भी आए और बहुत सारी बातें होती रही, जिससे एक ही बात उठी कि LAC पर जो घटना उठी है वह गलवान घाटी से आगे जाते हुए उसे क्यों ना एक बड़ा झटका दिया जाए चाइना को, क्योंकि काफी ज्यादा अर्निंग ऐप के माध्यम से चाइना करता है। इसी के साथ कल प्रेस रिलीज जारी हुई और रविशंकर प्रसाद जो मंत्री हैं उन्होंने अब एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि फाइनली हमने टिकटॉक को अब और टिकटॉक समेत बार बार मैं टिकटॉक बोल रहा हूं 59 ऐप्स को बंद कर दिया गया है। अब समझते हैं जरा इसके मनोवैज्ञानिक कारण आखिर टिकटॉक किस तरह से प्रभावित कर रहा था। देखिए, प्राचीन काल में जब आप जाएंगे तो आपको नुक्कड़ नाटक मिलेंगे जो रोड पर होते थे, वो काफी लंबे समय के होते थे। आप रामायण को याद करें तो दिन दिन रात रात भर एक एक रामायण चलती थी और लोग बैठकर आनंद उठाते थे। महाभारत भी इसी तरह की होती थी। इसके बाद इसे मंच मिला जिसे हम थिएटर कहने लगे। थिएटर के बाद आई फिल्में जो 3-3 घंटे 4-4 घंटे की होती थी। इसके बाद टीवी सीरियल आए जो 1-1 घंटे के होते थे। इसके बाद यूट्यूब आया जो 15 मिनट या उससे कम का होता है, और इसके बाद आया टिकटॉक जो कि केवल 15 सेकंड का होता है। इससे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी फेलोअर माना जाता है कि इसमें आपको कुछ करना नहीं होता है, ऑटोमेटिक जो बना है उस पर लिपसिंग करना है और आपको स्टार बन जाना है, जिससे भी क्रिएटिविटी भी काफी प्रभावित हो रही थी। इसके अलावा इंटेंशन भी कम हो रहा था। अब आप कल्पना करके देखो कि 15 सेकंड में आपको कुछ नया चाहिए, मतलब अब आप इतने धैर्य खत्म हो रहा था लोगों में। साइकोलॉजिकल काफी कारण है। आप देखो जरा किस तरह से समय घटता गया, कहां नाटकों से चालू हुआ, कहां 15 सेकंड पर बातें पहुंच गई, कहां 2-2 दिन तक नाटक होते थे रामायण महाभारत टाइप की। आगे बढ़ते हैं, तो ये साइकोलॉजिकल कारण है। अब भारत की स्थिति देखते हैं, भारत में इस समय स्थिति क्या है। तो भारत में अगर देखा जाए तो टिकटॉक बहुत ही ज्यादा चीजों को फैला दिया है। टिकटॉक में किस तरह के लोग चल रहे हैं, या तो बहुत अमीर है, या बहुत सुंदर है, या बहुत गरीब है, या बहुत टैलेंटेड है, इस तरह की चीजें चल रही हैं। गांव गांव तक टिकटॉक पहुंचा है, इसमें कोई दोराय नहीं है। क्लियर है? यही कारण है कि साल 2018 में
भारत ही नहीं बल्कि यूएस में सबसे ज्यादा डाउनलोड करने वाला ऐप बन गया था। इस समय व्हाट्सएप के बाद दूसरे नंबर पर टिकटॉक डाउनलोड किया गया है भारत में। अब सवाल ये उठता है कि वैन का मतलब क्या है। जैसे भारत सरकार ने एक खबर आई कि वैन कर दिया, तो अब वैन का मतलब क्या है, वैन का मतलब समझे। पहली बात, अभी ऐसा नहीं होगा कि आप अगर टिकटॉक पर जाएंगे तो डाउनलोड नहीं होगा। अभी कुछ दिन डाउनलोड होगा, वीडियो भी हो सकता है डाउनलोड हो, धीरे धीरे। पहले गूगल अब वैन लगा है तो सबसे पहले जो गूगल प्ले स्टोर है उससे बात होगी, फिर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोडिंग खत्म होगी, फिर धीरे धीरे जो चल रही है वो खत्म होगा, मतलब सतही बंद होगा। एकाएक ऐसा नहीं होगा कि अब आप टिकटॉक चला ही ना पाए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब बात कर लेते हैं कि वर्तमान में सरकार ने किस तरह से किया है। अब एक चीज, एक तर्क पर आप देखिए कि भले ही टिकटॉक बंद हो गया हो, लेकिन इस समय भारत में दो बड़े ऐप जूम है और पबजी ऐप बंद नहीं हुए हैं। ये दोनों ऐप चाइना से संबंधित हैं। हालांकि पबजी माना जाता है कि कोरिया की मिक्स करके है, लेकिन जो रियल है पबजी भी चाइना का ही ऐप है, लेकिन ये दो बड़े नहीं किए हैं। अब इसको समझते हैं। अब आपने एक शब्द सुना होगा कि डाटा चोरी हो जाता है। अब डाटा को समझो जरा ध्यान से, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण होने वाला है कि आखिर डाटा चोरी कैसे हो जाता है टिकटॉक के माध्यम से। जरा समझना, जब आप स्क्रॉल करते हैं तो आप जिस वीडियो पर ज्यादा समय बिताते हैं आपको उसी तरह के वीडियो आपको ज्यादा दिखेंगे। मान के चलो आपने कोई एनिमल का देखा है तो अब आपको वही एनिमल के वीडियो रिलेटेड आपको दिखेगा जब भी आप स्क्रॉलिंग करेंगे। इससे क्या होता है, कंपनी इस पर रिसर्च करती है और किस तरह की चीजें लोगों को पसंद आ रही है उसी के आधार पर एड बनते हैं, उसी के आधार पर मूवी बनती है, उसी के आधार पर एंटरटेनमेंट फीचर बनते हैं। तो ये एक डाटा कलेक्ट करती है कंपनी और इसके बदले में अरबों खरबों रुपए कंपनी कमाती है। इसके अलावा दूसरा तर्क जरा समझें। साल 2016 में यूएस में चुनाव जो हुए थे डोनाल्ड ट्रंप के, उसमें माना गया था कि फेसबुक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। होता क्या उसको समझो, आप कल्पना करना जरा टिकटॉक कैसे किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को चरमरा सकता है। आप कल्पना करो एकाएक चुनाव के समय टिकटॉक सोच ले कि हमें एक एड फीचर लगाना है, नीचे एक छोटी सी पट्टी लगाना है जिसमें आपको कोई भी एक पार्टी विशेष दिखती रहे, तो आप समझ सकते हैं उस समय आचार संहिता चल रही है उस समय किस तरह का काम हो सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा इस समय फेसबुक एक बहुत बड़ा टूल्स है खासतौर से पॉलिटिकल पार्टी को, तो ये जो डाटा है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब डाटा समझो जरा, होता क्या है जैसे आप फेसबुक में जैसे ही आप किसी पे लॉगिन करते हो, जीमेल आईडी डालते हो, मोबाइल नंबर, तो वो सारा डाटा कंपनी के पास सेव हो गया। अब वो जैसा चाहे एडवर्टाइजमेंट वो आपको समय समय पर दिखा सकती है। तो ये एडवर्टाइजमेंट का सारा खेल, क्लियर है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि डाटा चोरी के क्या नुकसान होते हैं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब वर्तमान में अब सवाल ये उठता है कि क्या चाइना को एकाएक रोका जा सकता है इस तरह की, तो अर्थव्यवस्था पर हम बात कर लेते हैं। अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो हर साल 90,000 करोड़ का आयात, मतलब हम खरीदारी करते हैं 90,000 करोड़ की चाइना से, जबकि 26,000 करोड़ का निर्यात हम भारत से करते हैं। तो दोनों ही जो देश हैं, हालांकि डिपेंड वो ज्यादा है, अगर हम बंद कर दें तो नुकसान चाइना को ज्यादा होगा क्योंकि वो ज्यादा निर्यात कर रहा है, हम कंपेटिवली निर्यात कम कर रहे हैं। तो अगर और आगे बात करें तो और आगे समझो 90% जो मोबाइल के पार्ट्स हैं वो चाइना के हैं। इसके अलावा पेटीएम और जोमेटो में भी बराबर की हिस्सेदारी है, जो वहां के हैं जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, उन्होंने कई बड़ी कंपनियों पर, भारत की कंपनियों पर इन्वेस्ट करके रखा है, ठीक है। तो जैसे आपने सुना होगा अलीबाबा जो है उन्होंने जोमेटो पेटीएम में इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा खाद जो आती है खेतों में डलती है उसमें 25% चाइना से हम खरीदते हैं, 40% जैविक रसायन हम चाइना से खरीदते हैं। इसके अलावा चाइना ने साल 2015 से 2019 के बीच, जब श्री जिनपिंग जब भारत आए थे 2015 में, उसके बाद से लेके अब तक $5.5 बिलियन का भारत में इन्वेस्टमेंट कर दिया गया है। तो आप ये समझो कि एकाएक चाइना पे बैन लगाकर ऐसा नहीं कर सकते, तब जबकि कोरोना महामारी के कारण ऑलरेडी हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, तो उसमें करें तो करें क्या। तो आप ये एक काम कर सकते हैं कि धीरे धीरे आप चाइनीज प्रोडक्ट को बायकॉट करना चालू करें, धीरे धीरे उनको छोड़ना चालू करें, क्योंकि हर जगह चाइनीज है आप एकाएक नहीं हटा सकते,
धीरे धीरे हटाना चालू करें और आत्मनिर्भर बनना होगा, है ना। जो प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का कहा है वो बनना होगा, तब जाकर भारत कहीं ना कहीं एक अच्छी पोजीशन पर आ सकता है। उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर प्लीज समझ में आई हो तो प्लीज इसको दोबारा देखें ताकि सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए। फिर भी यदि आपके कोई भी कमेंट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं सारे कमेंट को पढ़ूंगा और उन पर रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। नमस्कार।